आज गुनाह करने रात देख अंधेरे दे अंदर आज फोन ते मोबाइल ते गल्ला करने रात देख अंधेरे दे अंदर अपने कमरे दियां कुंडियां लगा के तनहाई दे अंदर गुनाह करना है तनहाई दे अंदर शराबा पीना है तनहाई दे अंदर मुजरे वेखना है मैनू केड़ा को वेखण वाला है मैनू केड़ा को सुन वाला है कयामत वाले दिन तेरे गुनाह लोगां दे सामने जाहिर हो जाणगे कयामत वाले दिन तेरिया बुराइयां लोगां दे सामने जाहिर हो जाणगियां केड़ा मुंह लैके मैदाने माशर दे अंदर खड़ा होवेगा अज मैदाने माशर भुल गए कयामत दा दिन भुल गए फैसला भुल गया अज रब तो दूर हो गए रब दे रसूल तो दूर हो गए अज डर लगने मेरी बदनामी मेरे रिश्तेदारां दे अंदर ना होवे अज डर ने मेरी बदनामी मेरे मस्जिद दे नमाजियां दे सामने ना होवे अज डर लग दे मेरी बदनामी मेरे शहर वालियां दे सामने ना होए अज डर लगदा मेरी बदनामी मेरे जमातियां दे सामने ना होए उस दिन की बनेगा जिस दिन हजरत आदम तो लेके कयामत तक सारे लोगों नूं एक मैदान दे अंदर जमा कर दिता जाएगा हर बोलन वाली आवाज नूं हर सुन वाला होएगा हर वेखण वाले नूं हर वेखण वाला होएगा ومن الليل فتغجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة نال پیار دے کول بٹھان سانوں اکھن پی کوثر میں پلان والا تے بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مل پہ آئے قرآن سنان والا تے تقدیر ساڈی اج چمک اٹھی کتھے میں تے کتھے او شان والا حسین رج رج ویکھ رسول سہنا نال پڑھ سبحان بنان والا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ذی وقار سامعین و سامعات بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا
बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमा के साडे सारिआं वास्ते हदायत और निजात दा सबब बणाए। जो मैं बयान करां अल्लाह ताला शरह सदर फरमाए, मैनू किताब व सुन्नत दे मुताबिक हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। जीवकार सामाईन व शामियात, गुज़िश्ता चंद खुतबात जुमा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत अजमत, आप दी वलादत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुकाम मर्तबे दे हवाले नाल खुतबात जुमा जारी व शारी ने अल्लाह ताला ने जिस तरह रहमत कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नु दुनिया दे अंदर पूरी कायनात को अफजल और आला बनाया, सिर्फ दुनिया दे आम इंसानों को ही नहीं, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वसल्लम नु अपने चुनीदा चंदो हस्तियां जिन्हां नु अंबिया और रसूल कहते उन्हां दे अंदरों भी अफजल और आला बनाया। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात पाक दुनिया दे अंदर बुलांदे एवे रहमत कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू अल्लाह ताला मैदान माशर दे अंदर भी बाकी लोगों तो इज्जत शान मुकाम और वकार ज्यादा अता फरमाएगा, बल्कि मैदान माशर दे अंदर कुछ ऐसियां खूबियां होणगियां जिहड़ियां अल्लाह नबियां नू भी नहीं अता करेगा। सैयदुना व इमामुना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे हिस्से दे अंदर सिर्फ और सिर्फ आणगियां। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे तीसरे पारे दे अंदर फरमाया, तिलकर रुसुल फज़ल्ला बादहुम अला बाद منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات, بعض رسولاں نو بعض رسولاں تے اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی, کچھ رسول ایسے نے جڑے اللہ نال ہم کلام ہوئے نے, اللہ تعالی نے انہاں دی عظمت نو بلند کر دیتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی اس آیا مبارکہ دی تفسیر لکھدے نے کہ اس بات تے پوری امت دا اجماع ہے के बाद रसूलां नूं बाद रसूलां ते फजीलत हासिल है और तमाम अंबिया और रसूल दे अंदर अल्लाह ताला ने सब तो ज्यादा अजमत और शान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नूं अता फरमाई। अज दे इंशाअल्लाह खुतबा जुमा दे अंदर मैं तुहाडे सामने नबी पाक दे ओ खास इज़ाद खास शान खास मुकाम जिहड़ा अल्लाह ताला ने नबियां तो अलग नबी पाक नूं मैदाने माशर दे अंदर कयामत वाले दिन अता करना है उहदा तज़किरा करना चाहना, दुआ करना अल्लाह ताला शरह सदर फरमाए, किताब सुन्नत दे मुताबिक मैनूं बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी सैयदना हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला को बयान करदे ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन सहाबा दे अंदर तशरीफ फरमा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते वही दी कफियत दारी होगी, मुख्तलिफ किस्म नबी पाक ते वही दियां, बाज दफा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं वही आंदी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पेशानी मुबारक ते पसीना आ जांदा, दिन भावें सर्दी दे वी हुंदे नबी पाक पसीने दे नाल शराब दूर हो जांदे, रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते वही दी इक और कफियत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते वही नाजल हुंदी, नबी पाक ने सलातु वसलाम ते गनूदगी तारी हो जांदी, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला को फरमांदे ने रहमत कायनात ने सलातु वसलाम ते गनूदगी तारी होई है, मेरे पैगंबर सलातु वसलाम ने कुछ देर बाद अपना सर मुबारक उठाए,
नबी पाक ने सलातु वसलाम मुस्कुरा रहे ने क्या मंदर होएगा जिदो नबी पाक मुस्कुरांदे होणगे ते सहाबा वेंदे होणगे हजरत अनस फरमांदे ने अर्ज़ा कीतियां सोणिया क्यों मुस्कुरांदे पए हो क्यों हसदे पए हो नबी पाक ने सलातु वसलाम फरमांदे ने अल्लाह ताला ने मेरे ते इक सूरत नाज़िल फरमाई है सोणिया कड़ी सूरत नबी पाक ने सूरह कौसर दियां तिलावतां फरमाईयां आप पढ़दे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर नशानिया कबल अबतर नबी पाक ने सलातु वसलाम ने ऐ सूरत पढ़ के सुनाइए ते नाल नबी पाक ने सलातु वसलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा तुहानू पता है कौसर के आ गए सहाबा कहंदे ने सुनिया अल्लाह ते उहदा रसूल अल्लाह ते उहदा रसूल बेहतर जाणदे ने नबी पाक ने सलातु वसलाम फरमांदे ने एक कौसर जन्नत दी एक नहर जिदा मेरे रब ने मेरे नाल वादा कीता है ते उदियां खूबियां इने कयामत वाले दिन मेरे उम्मती मेरे हौज़ ते आणगे इस नहर दे अंदरों मैं अपने उम्मतियां नूं पानी पिलावांगा और उहदे बर्तन इतने होणगे जिवें आसमानां दे सितारे ने ऐ कौसर नहर अल्लाह ताला ने सिर्फ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाई बड़े अंबिया आए बड़े रसूल आए लेकिन ए मर्तबा ए मुकाम सिर्फ नबी पाक ने सलातु वसलाम दे गीसे दिंदर आया ते सूरह मुबारक नाजल किदो होइए तवज्जो करना मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों नबी पाक ने सलातु वसलाम दे बारे लोगां गल्लां कीतियां माज अल्लाह मुहम्मद दा बेटा फौत हो गए एक एक करके दे बेटे फौत हो गए ने कल नबी पाक दुनिया तो चले जाणगे दा नाम मिट जाएगा इहदा नाम लैण वाला कोई नहीं रह जाएगा अल्लाह फरमांदे ने सुनिया परेशान नहीं होना जिहड़े कहिंदे ने तेरा नाम नहीं रहना उहनां दा नाम नहीं रहना ते तेरा नाम असीं ऐसा चमकावांगे ओह थां थां नहीं होना जिथे सोहणे मुहम्मद दा नाम नहीं होना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आतैना कल कौसर सुनिया सा तुहानू कौसर अता फरमाया इहदे उलमा ने मुफस्सरीन ने बड़े सारे माने कीते एक ते माना जन्नत दी जड़ी नहर कौसर है दूसरा माना ए वे अल्लाह ताला नबी पाक ने सलातु वसलाम नू उम्मत ते कसीर अता फरमाईए अल्लाह फरमांदे ने सुनिया असां तुहानू कौसर अता कर दित्ता या कर दित्तीए कायनात दे लोग अल्लाह फरमांदे ने फसल्ली ने रब्बे नखर सोनिया तुसा रब दी नमाज पढ़नी है ते रब वास्ते कुर्बानी करनी है क्योंकि मैं रब दा वादा इन्ना शानिया काहू वल अबतर सोनिया तुहाडा दुश्मन मिट जाएगा तुहाडा दुश्मन अबतर उहदा नामो निशान मिट जाएगा तुहाडा नाम चमकदा रहेगा ऐ इज़ाद अल्लाह ताला ने कियामत वाले दिन मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अता करना ते दूसरी हदीस मेरे तुहाडे पीर उमर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातु वसलाम फरमांदे ने कयामत दा दिन होएगा लोग पानी दी तलाश दे अंदर निकलणगे इंज करके चलदियां चलदियां मेरा हौज नजर आएगा लोग दौड़दे दौड़दे आणगे कुछ लोग ऐसे होणगे जिन्हां नूं प्यालियां दे अंदर पानी पिलाया जाएगा कुछ खुशनसीब ऐसे होणगे जिन्हां नूं नबी पाक ने सलातु वसलाम अपने भुख नाल मूँह लगवा के पानी पिलाणगे कुछ बद नसीब ऐसे होणगे प्यास दे मारे चलदे चलदे गौज़े कौसर ते पहुंचणगे इन्हां दे दरमियान ते नबी पाक दे दरमियान दीवार खड़ी कर दित्ती जाएगी नबी पाक ने सलातु वसलाम अर्ज़ा करणगे अल्लाह ऐ ते मेरे उम्मती ने इन्हां दे चेहरे असारा दसदे पै ने ए मेरे उम्मती ने इन्हां दीआं नमाज़ां इन्हां दे सजदे इन्हां दे रुकू अल्लाह दसदे पै ने मेरे उम्मती ने इन्हां दे जिस्म तों नज़र आ रही है अल्लाह
करांगे सोनिया तुसी नहीं जानदे इन्ना तुहाडे बाद तुहाडे दीन नूं बदल दित्ता तुसी नहीं जानदे इन्ना तुहाडे दीन दे अंदर बिदात शामिल कर दित्तियां मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ कौसर वाला खौज वाला इदाद सिर्फ नबी पाक नु मिले ते कयामत वाले दिन और कोई खौज नहीं होना जिथों पानी मिल जाए इको खौज होना है जिनू खौजे कौसर कहा जांदे ओ नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम नु अल्लाह ताला ने अता फरमाए अरे एक और एजाज नबी पाक दा तवज्जो करना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातु वसलाम दे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला गुमा बयान करदे ने एक दिन रहमत कायनात ने सलातु वसलाम दे सहाबा तशरीफ फरमाने नबी पाक ने सलातु वसलाम मेरे पैगंबर ने सलातु वसलाम दे सहाबा इंतजार करदे पए ने नबी पाक आण ते नबी पाक ने सलातु वसलाम दे नाल मुलाकात करिए इसे दौरान नबी पाक सलाम तशरीफ लै करके आए चलते चलते नबी पाक सहाबा दे करीब पहुंचे ना सहाबा आपस दे अंदर गल्लां करदे पए ने कैसी अजीब गल अल्लाह ताला ने गदर ते आदम नु चुन लिए कैसी अजीब गल अल्लाह ताला ने गदर ते नूह नु नजीउल्लाह बना दिता है कैसी अजीब गल अल्लाह ताला ने गदर ते मूसा नु कलीमुल्लाह बना दिता है कैसी अजीब गल अल्लाह ताला ने गदर ते ईसा नु अपना कलमा ते रूहुल्ला बना दिता है मेरे पैगंबर सलातु वसलाम इन्ना सारे सहाबा दियां गल्लां नु सुन लैंदे ने आप फरमांदे ने गल ठीक है आदम नु अल्लाह ताला ने चुन लिया क्योंकि अल्लाह दा कुरान कहंदे इन अल्लाह हस्तफा आदम बेशक अल्लाह ताला ने हजरत आदम नु चुन लिया जेड़ी गल तुसी अगर तेनू दे बारे की मेरे सहाबा भी गल ठीक है जड़ी गल कदर ते मूसा दे बारे की भी गल ठीक है जड़ी गल कदर ती इब्राहिम दे बारे की इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ये भी गल ठीक है जड़ी ईसा दे बारे गल की गल ये भी ठीक है लेकिन मेरे सहाबा सुनो आला आना वहबीबुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ईसा रूहुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह लेकर रब ने मैनू अपना हबीब बनाए रब ने मैनू अपना हबीब बनाए ला आना वहबीबुल्लाह अला आना वहबीबुल्लाह खबरदार मैं अल्लाह दा हबीब वला फखरा एने को फखर नाल गल नहीं पिया दसदा ए रब ताला ने मैनू इजाज़त अता कीता है अगे रहमत कायनात फरमांदे ने वा आना लेवा इलहमदी यौमल कियामा ताखतु आदम फमंदु नहू वला बकरा नबी पाक फरमांदे ने मैं रब दा हबीब वी आ ते कल कयामत वाले दिन हमम दा झंडा भी मेरे हाथ दे अंदर होना है हमम दा झंडा भी मेरे हाथ दे अंदर होने ते अगली गल बड़ी कमाल दीजे नबी पाक दे आजाद बाकी अंबिया तो अलग मैदाने माशर दे अंदर नबी पाक फरमांदे ने मैं मैदाने माशर दे अंदर हमद दा झंडा लेके अल्लाह दी बारगाह वल जावांगा और इस खमन दे झंडे दे नीचे गदर ते आदम ही होणगे ते आदम दी पूरी औलाद भी होएगी जिदे अंदर नबी भी शामिल ने ते आप फरमांदे ने वा आना अव्वलु शाफीन सब तो पहला अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सिफारिश करन वाला मैं होवांगा वा आना अव्वलु मुशफ्फाइन नबी पाक फरमांदे ने कयामत वाले दिन सब तो पहला सिफारिशां भी मेरियां कबूल होण गियां मेरे पैगंबर फरमांदे ने वा आना अव्वलु मयुगरिकु बिहालाकिल जन्ना नबी पाक फरमांदे ने कयामत वाले दिन जन्नत दे दरवाजे दी जंजीर नु खलावांगा ते मैं मुहम्मद लावांगा यानी जन्नत नु जेड़ा ताला लगे होना जन्नत दे दरवाजे नु ओनु हरकत देनी है ते किन्ने बोलो
जड़ी जन्नत है दरवाजे का कुंडा खड़काना है किन्ने ते जन्नत तो ये जिदा दरवाजा खुलवाना है ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जिस जन्नत का दरवाजा नबी पाक नहीं खुलवाना वो जन्नत बोलो जन्नत इंशाल्लाह असीं उस जन्नत विच जाणे जिस जन्नत का दरवाजा नबी पाक खुलवाणे तो जो करना हबीब इब्रिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमांदे ने फयुफ्ताकुल्लाहु फी फयुदखिलन फयुदखिलुनी या मेरे पैगंबर फरमांदे ने कयामत दा दिन होएगा जन्नत दा दरवाजा भी मैं खुलावांगा जन्नत दा दरवाजा भी मैं खड़कावांगा ते मेरा रब मेरे वास्ते जन्नत दा दरवाजा खुलवा देगा ते मैं जन्नत दे अंदर दाखिल होवांगा ते लाल नबी पाक ने अगली जड़ी गल कीती है मदनपुरियो फैसलाबादियो सुन के खुश हो जाया जे मेरे पैगंबर फरमांदे ने वामा अलमुमिनीन नबी पाक फरमांदे ने मैं जन्नत विच जावांगा ते मेरे नाल जन्नत दे अंदर मेरे गरीब उम्मती भी जानगे मैं जन्नत विच जावांगा ते जन्नत दे अंदर मेरे नाल मेरे माड़े कमजोर गरीब मोमन उम्मती भी जानगे नबी पाक ने सलात व सलाम फरमांदे ने वा आना अकरमुल अव्वलीन वल आखरीन नबी पाक फरमांदे ने कयामत वाले दिन अल्लाह दे गां सब तो ज्यादा बेहतर सारी कायनात दे अंदर मैं होवांगा सब तो ज्यादा मेरा मुकाम होएगा अल्लाह हु अकबर ला कयामत वाले दिन अल्लाह ताला ने कौर इजाजत करने मेरे पैगंबर सलाम दे सियाबी गदर ते काफिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला को बयान कर देने अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला युबास नास यौमल कियामा फाकुनु अना व उम्मती अला तल्लिन नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने कयामत दा दिन होएगा मैं ते मेरी उम्मत दे लोग इक टीले ते जमावांगे मैं ते मेरी उम्मत दे लोग इक जनाब टीले ते जमावांगे नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने वा यकसूनी रब्बी तबारक व तआला उस दिन अल्लाह ताला मैनु एक लिबास पहनाएगा एक हुल्ला पहनाएगा अल्लाह को अकबर जिदा रंग सबज होएगा नबी पाक फरमांदे ने सुम्मा युज़िनुली नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने फिर मैनु इजाजत मिलेगी वा अकुलु माशा अल्लाह अन अकुला नबी पाक फरमांदे ने फिर मैं वो कहांगा जो मेरा रब चाहेगा फिर मैं वो बोलांगा जो मेरा रब चाहेगा ते वो जगह केड़ी होएगी नबी पाक फरमांदे ने फज़ा कल मकाम अल महमूद वो जगह जिथे मैं अल्लाह दिया तरीफा बयान करांगा वो जगह मुकामे महमूद होएगी और एदा जिक्र अल्लाह ने अपने कुरान पाक अंदर फरमाया फरमाया व मिन अल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लक बासा का रब का मकाम महमूदा ओगो मुकामे जिन्हों मुकामे महमूद किया जाते जिदे बारे अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर नु किया फरमाया सुनिया तहज्जुद दी नमाज पढ़िया करो तुसी तहज्जुद दी नमाज पढ़नी है ते अन करीब असी मुकामे महमूद तुहानू अता कर देना है ऐ मुकामे महमूद अल्लाह ताला ने को बनाए ते कयामत वाले दिन ओ नबी पाक नु मिलना है और किसे नु मिलना नहीं जे मिलना मेरे पैगंबर दे कौर इदाद रहमत कायनात जनाब मुहम्मद बद 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 ब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सहाबी गदर ते जाबर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला बयान कर देने अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मन काला ही ना यस्माउ निदा नबी पाक फरमान जेड़ा बंदा अजान दी आवाज सुन लेंदे अजान सुन लेंदे अजान सुन तो बाद पढ़ दे अल्लाहुम्मा रब्बा हाजी दावति तामा वस्सलाति القائمه آتي محمد الوسيله والفضيله وابعث مقام محمود الذي واتا نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اذان پڑھن دے بعد اے دعا کر دے اللہ تعالی قیامت والے دن اونوں میری شفاعت دا حقدار بنا دےوے گا اللہ اکبر اللہ اس دے اندر دو مقام دا ذکرہ ہے ایک مقام محمود ہے ایک مقام वसीलाए जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने एक मुकाम बढ़ाए जिन्हों मुकामे वसीला कहते ने वो मुकामे वसीला मिलने ते नबी पाक नु मिलना है मुकामे महमूद मिलने ते नबी पाक नु मिलना है अल्लाह हू अकबर अजमत ने मेरे तुहाडे पीर दियां ऐशाना ने मेरे तुहाडे मुर्शिद दियां अल्लाह हू अकबर एक और खास इजाज अल्लाह ताला ने शफाअत ते उस्मान आप ते कुबरा दा हक अता करने ते मेरे तुहाडे पीर नू अता करना है सलाम ने फरमाया मेरे पैगंबर दे सहाबी फरमांदे ने एक दिन नबी पाक ने सलातो सलाम तशरीफ फरमा ते नबी पाक दे सामने रान दा गोश्त पेश कीता गया अल्लाह हू अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर नु ए गोश्त बड़ा पसंद सी रहमत ए कायनात ने सलातो सलाम दे सामने गोश्त रखया गया मेरे पैगंबर ने खाना तनावल फरमाया गोश्त तनावल फरमाए फिर रहमत ए कायनात री सलातो सलाम बोले ने आप फरमांदे ने आना सईदुन नास यौमल कियामा कियामत दा दिन होएगा मैं सारे लोगां दा सरदार होवांगा मैं सारे लोगां दा सरदार होवांगा इत्थे मैं बुखारी दी दूसरी हदीस भी मिलाना चाहना वा नबी पाक ने फरमाया वा अना लहाशर अल्लजी युशरुन नास वला कदमया मेरा एक नाम खाशर ते कयामत दा दिन होएगा लोगां नु मेरे कदमां ते उठाया जाएगा मैं अगे अगे होवांगा मेरे उम्मती पीछे पीछे होणगे मैं अपनी उम्मत नु कयादत दे अंदर लेके रब दी बारगाह दे अंदर जावांगा ते इस रवायत बुखारी दे अंदर नबी पाक री सलातो सलाम फरमांदे रे ध्यान करया जे कयामत दा दिन जदों बरपा हो जाणा है अल्लाह जिस दिन भरावां काम कोई नहीं आणा जिस दिन रिश्तेदारां काम कोई नहीं आणा जिस दिन सज्जण यारा कोई नहीं काम आणा जिस दिन कोई तालक काम नहीं आएगा यौम यफिरुल मरु मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौम इज़िन शान युगनी अल्लाह कयामत वाले दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे सारे तालक टूट जाएंगे उस दिन को रिश्ता कम आएगा ते सोने मुहम्मद पाक दी मुहब्बत दा रिश्ता कम आएगा सल्लल्लाहु ओया जिन्ना रिश्तियां दी खातर अज सोने दी सुन्नत छड़ी फिरना है कहना जे शादी ते कंजर ना नचावा ते रिश्तेदार रुस जांदे ने उस दिन इन्ना रिश्तेदारा कम आना जे मेहंदी ना कीती ते सज्जन यारा रुस जाणा जे ढोल ना मारिया ते मुंडे ते मामू ने रुस जाणा जे मुजरा ना करवाया ते इहदे यारा ने रुस जाणा कयामत वाले दिन कोई भी रिश्ता कम आना बोलो को रिश्ता कम आना उस दिन रिश्ता नबी पाक दी सच्ची मुहब्बत दा रिश्ता कम आए उस दिन नबी पाक अली की सलात व सलाम दी मुहब्बत दा रिश्ता और मेरे भाइयों मैं रोक के एक पैगाम दे के जाना चाहना वा आइए कदर कीजिए माँ बाप दा एहतराम कीजिए माँ बाप दा इज्जत कीजिए भैणा भरावां दी और एहतराम कीजिए अपने सज्जन यारां दा लेकिन नबी पाक दी मुहब्बत दा दामन ना छोड़िए
नबी पाक की सुन्नत दा दामन ना छोड़िए, सारे रिश्तियां ते तरजीह देनी है ते मुहब्बत मुस्तफा नू देनी है, सारे रिश्तियां ते तरजीह देनी है ते किनू देनी है, मुहब्बत मुस्तफा नू सल्लल्लाहु। और इस चीज का जिक्र अल्लाह ने अपने कुरान पाक के अंदर भी परमात्मा जो करना, हबीब इब्रिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते कुरान पाक नातन फरमाया, फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादगा व मसाकिन तरज़ौनगा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीली व तरब्बसु हत्ता याती अल्लाहु बि अमरी। अल्लाह ने सारे रिश्ते सारे मालो दौलत सारियां तजारतां दा जिक्र करम दे बाद फरमाया, अगर ए चीजां तुहानू महबूब हो गईयां रब ते रब दे रसूल तो ते जिहाद फी सबीलिल्लाह तो, फिर अल्लाह दे फैसले दे इंतजार करो। आइए मेरे बरादर रिश्तियां दे एहतराम कीजिए पर मुहब्बत मुस्तफा नु मुकद्दम रखिए, रिश्तियां दे एहतराम कीजिए पर नबी पाक दी सुन्नत दा ख्याल कीजिए। देखियो किते रिश्तियां नु राजी करदियां करदियां मुहब्बत मुस्तफा दा दामन न छुट जाए, देखिया ने किते रिश्ते बचांदियां बचांदियां मेरे पैगंबर दी मुहब्बत दूर ना हो जाना, क्योंकि जिस दिन किसे वफा नहीं करनी उस दिन नबी पाक ने वफा करनी है, जिस दिन किसे रिश्ते काम नहीं आना उस दिन मेरे पैगंबरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिशां करके वफा ते मुहब्बत दियां दावा करनियां ने। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने उस दिन कायनात दा रब मैनु सारी कायनात दे लोगों दा सरदार बनाएगा, यानी कयामत वाले दिन जिस दिन लोगों नू इक चटियल मैदान दे अंदर जमा कर दिता जाएगा, ते इस कदर खमवार ते चटियल बराबर मैदान होएगा, हर बोलण वाले दी आवाज नू हर कोई सुन सकेगा, हर वेखण वाले नू हर कोई वेख सकेगा। अल्लाह बल्ला आज गुनाह करने रात देख अंधेरे दे अंदर, आज फोन ते मोबाइल ते गल्ला करने रात देख अंधेरे दे अंदर, अपने कमरे दिया कुंडियां लगा के तनखाई दे अंदर गुनाह करना है, तनखाई दे अंदर शराबा पीना है, तनखाई दे अंदर मुजरे वेखना है, मैनू केड़ा को वेखण वाला है, मैनू केड़ा को सुन वाला है। कयामत वाले दिन तेरे गुनाह लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे, कयामत वाले दिन तेरिया बुराइयां लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगियां, केड़ा मुंह लैके मैदाने माशर दे अंदर खड़ा होवेगा। आज मैदाने माशर भुल गए, कयामत दा दिन भुल गए, फैसला पा दिया, आज रब तो दूर हो गए, रब दे रसूल तो दूर हो गए, आज डर लगने मेरी बदनामी मेरे रिश्तेदारां दे अंदर ना होवे, आज डर ने मेरी बदनामी मेरे मस्जिद दे नमाजियां दे सामने ना होवे, आज डर लग दे मेरी बदनामी मेरे शहर वालियां दे सामने ना होए, आज डर लगदे मेरी बदनामी मेरे जमातियां दे सामने ना होए। उस दिन की बनेगा जिस दिन हजरत आदम तो लेके कयामत तक सारे लोगों नू एक मैदान दे अंदर जमा कर दिता जाएगा, हर बोलण वाली आवाज नू हर सुन वाला होएगा, हर वेखण वाले नू हर वेखण वाला होएगा। मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने सलातु व सलाम फरमांदे ने कयामत दा दिन ऐसा दिन होएगा जिस दिन हर सुन वाला एक दूसरे नु सुन सकेगा, हर वेखण वाला एक दूसरे नु देख सकेगा, और उस दिन सूरज करीब आ जाएगा, लोग तकलीफ दे अंदर होणगे। मेरे पैगंबर ने सलातु व सलाम फरमांदे ने इस कदर लोग तकलीफ दे अंदर होणगे के बर्दाश्त तो बाहर होएगा। नबी पाक ने सलातु व सलाम फरमांदे ने
कुछ लोग कहेंगे यार कोई अपना सिफारशी तलाश करो ना, वो साड़ी सिफारिश कर दे वे रब दी बारगाह दे अंदर ताकि अल्लाह साडा हिसाब ले लवे। नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने कुछ कहण वाले कहेंगे चलो चलिए गदर ते आदम अलैहि सलातो सलाम दे कोल। सैयद ना आदम पूरी इंसानियत दे बाप ने रब ने अपने हत्था नाल बनाए ते अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जाके रब कोल सिफारिश कर देणगे। चलते चलते लोग हज़रत आदम अलैहि सलातो सलाम दे कोल जाणगे अल्लाह मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने बुखारी दी रवायत दे मुताबिक लोग चलते चलते हज़रत आदम अलैहि सलातो सलाम नूं जाके कहणगे ऐ अबुल बशर हज़रत आदम जी सारे बशरां दे बाप तुसी अल्लाह खालक अल्लाहु बियादिहि अल्लाह ने तुहानूं अपने हाथ नाल बणाए फिर तुहाडे अंदर रूह फूकीए अल्लाह ने तुहानूं फरिश्तियां कोलों सजदा बारगाह मैं रब दी बारगाह दे अंदर नहीं जा सकता क्योंकि रब ने मैनु एक दरख्त तो मना किया सी मेरे को गलती हो गई है अड मेरा रब एडे गुस्से दे अंदर मैं रब दे गुस्से सामना नहीं कर सकता मेरे को हौसला कोई नहीं मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर चला जावा। हाँ मशवरा इंज करो ना कदर तेनू अली सलातो सलाम दे कोले चले जो ते लाल ही आदम कहणगे नब्बे नफसी रब्बे नफसी रब्बे नफसी अल्लाह मेरी जान नू बचा ले अल्लाह मेनू बचा ले मेनू बचा ले। लोग चलते चलते हज़रत तेनू अली सलातो सलाम दे कोले कहणगे जाणगे ते जाके कहणगे अंत अव्वल रसूल इला अहले अर्ज है अल्लाह दे पैगंबर नू जी तुसी रब दी धरती ते रब दे पहले रसूल बन के आयो ए अल्लाह ताला ने तुहानु कुरान दे अंदर के आए काना अब्दन शुकूरा तुसी रब दे शुक्र गुजार बंदे हो अल्लाह रहमत ने कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने लोग कहणगे हज़रत जी साडी सिफारिश कर दियो ते गदर तेनू अली सलातो सलाम फरमाणगे अज मैं तुहाडी सिफारिश नहीं कर सकदा रब ने मैनू एक दुआ दा मौका दिता सी मैं अपनी उम्मत वास्ते दुनिया ते मंग लिए अज मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर नहीं जा सकदा लिहाजा इंज करो ना जाओ चले जो हज़रत इब्राहीम अली सलातो सलाम दे कोल चले जो। लोग आणगे हज़रत इब्राहीम दे कोल अल्लाह हज़रत नू वी रब्बे नफ्से कर लग जाणगे। हज़रत इब्राहीम दे कोल लोग आ करके कहणगे इब्राहीम पैगंबर जी तुसी अल्लाह दे बड़े प्यारे पैगंबर हो रब दे नबी भी हो ते रब दे खलील भी हो इंज करो ना अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश हो करके साडियां सिफारिशां कर दियो। अल्लाह दे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातो सलाम कहणगे अज मेरा रब बड़े गुस्से दे अंदर ਐਵੇਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਮਦਨਪੁਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਲੀਲ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਤਨੋਂ ਬੇਵਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਝੂਠੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੁਹੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈ ਯਾ ਅਯੂਕ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੁ ਤਕੁਲਾਹ ਵਕੂਲੁਲ ਕੌਲਨ ਸਦੀਦਾ
फरमाया लोगो रब कोलो डर जो ते गल सीधी सीधी करया करो, झूठ ना मापिया नाल झूठ ना बोलिया कर, भरावां नाल झूठ ना बोलिया कर, कारोबारी लैण देण दे अंदर झूठ ना बोलिया कर, बच जा झूठ तो। नबी पाक ने फरमाया लोगो झूठ तो बच जो, झूठ बंदे नूं गलत रस्ते ते लै जांदे, बुराई ते रस्ते ते लै जांदे, बुराई ते रस्ते ते चलदा चलदा बंदा इस कदर इस रस्ते दे अंदर मगन हो जांदा कि चलदा चलदा जहन्नम दा बालण बन जांदा है। ते नबी पाक फरमांदे ने सच इख्तियार करो, बंदा सच बोलदे ते सच बंदे नूं जन्नत वल लै के चला जांदा है। आइए झूठ तो बच जाइए, झूठ तो बच जाइए। हजरत इब्राहीम माजरत कर लैणगे ते कहणगे रब्बे नफसी रब्बे नफसी रब्बे नफसी, अल्लाह मैनू बचा ले। ते नाल ही कहणगे करो हजरत मूसा दे कोल चले गो, लोग चलते चलते हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलाम दे कोल आण गए। अल्लाह दे पैगंबर जी तुसी कलीमुल्ला हो, अल्लाह ने तुहाडे नाल कलाम कीता है ते तुसी साडी सिफारिश कर दिओ। हजरत मूसा कहणगे मैं तुहाडा सिफारशी नहीं बन सकदा, ये भी कहणगे रब्बे नफसी रब्बे नफसी। लोग हजरत ईसा कोल आ जाणगे, ऐ अल्लाह दे पैगंबर ईसा जी तुसी अल्लाह दा कलमा हो रूह लाओ, ते बचपन दे अंदर पंगूड़े दे अंदर रब नाल गल्लां ते लोगां नाल गल्लां करदे रहो, ते अज मैदाने माशरे साडी सिफारिश कर दियो। ते हजरत ईसा अलैहि सलातो वसलाम ही कहणगे मेरा रब बड़े गुस्से दे अंदर है, मेरा रब बड़े गुस्से दे अंदर है, मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर नहीं जा सकदा, तुहाडा सिफारशी नहीं बन सकदा। मेरे तुहाडे पीरो मुरशद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलात व सलाम फरमांदे ने, हजरत ईसा कहणगे इंज करो ना इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ मुहम्मद वाल चले जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग चलते चलते मेरे कोल आ जाणगे ते आके की कहणगे या मुहम्मद अंता रसूलुल्लाह व खातिमुल अंबिया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अल्लाह दे रसूल भी हो ते आखरी रब दे नबी बन के आयो, खत्मे नबूवत दा ताज पहन के आयो। वक़द गफर अल्लाहु लकम तक़द्दम मिन ज़म्बे का व मा ताख़रा, तुहाडे ते जिन्ने भी इल्ज़ाम सन रब ने तुहानू सारियां तो बरी कीते, तुहाडी जिंदगी गुनाहां तो पा के सोहणियां, तुहाडी जिंदगी ऐबां तो पा सिफारिश कर दियो। सुनिया रब की बारगाह के अंदर साडे हक के अंदर सिफारिश कर दियो। नबी पाक फरमांदे ने मैं अपने उम्मतियां नूं नाल लै लवांगा, मैं अपने उम्मतियां नूं नाल लै लवांगा, अज लै करके उस मुकाम ते चला जावांगा जिथे अल्लाह दा अरश है, अल्लाह दे अरश दे नीचे जाके मैं सजदे दे अंदर गिर जावांगा। फैसला बादी आ छड दे नबी पाक नल बेवफाइयां, ताल्लक जोड़ ले नबी पाक नल पक्का ते सच्चा। वो जिस दिन नबियां भी कम नहीं आना उस दिन सिफारिश करनी है ते आमीना दे लाल ने करनी है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने मैं सजदे दे अंदर गिर जावांगा, मैनू नहीं पता मेरा रब भी मैनू अपनी तारीफ दे जुमले सिखाएगा, मैनू नहीं पता मेरा रब भी अपनी तारीफ मेरी जुबान चो करवाएगा, रब सिखांदा जाएगा मैं अपने रब दियां तारीफां करदा जावांगा, मैं अपने रब नूं राजी करदा जावांगा, फिर रब दी रहमत जलाल जंदर आएगी। अल्लाह फरमाणगे इरफा रासकया मुहम्मद इशफा तुशफा सलतोता, सोने अपना सर उठाओ सिफारिश करो मैं कबूल करां, सवाल करो मैं अता करां।
सोनिया सिफारिश करो मैं कबूल करा, सवाल करो मैं अता करा। हुण मैदाने माशरे नफसा नफसी आलम आदम कहंदे पहने रब्बा रब्बे नफसी, नूह कहंदे पहने रब्बे नफसी, इब्राहिम कहंदे पहने रब्बे नफसी, मूसा कहंदे पहने रब्बे नफसी, ईसा कहंदे पहने रब्बे नफसी। हजरत आदम तो लेके कयामत तक दे लोग इको जुबान ते अल्फाज रब्बी नफसी रब्बी नफसी। ते मेरे मुहम्मद पाक रब दी बारगाह दे अंदर सर सच्चे उठाणगे ते कहणगे रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती। ते बाबा जी शमशाम रहमतुल्लाह अलैह दी रूह तड़पी बड़ी मोहब्बत नाल फरमाया करदे सने, ओए रब्बे नफसी आवाज़ा एक पासे रब्बे उम्मती तकाजा एक पासे रब्बे नफसी आवाज़ा एक पासे रब्बे उम्मती तकाजा एक पासे। कोई उम्मत दे हक विच बदुआ करदा इत्थे आंसू बहाना एक पासे, मखलूक खुदा दी एक पासे, महबूब रबाना एक पासे, सारे जग दी धरती एक पासे, मेरा अरब सुहाना एक पासे, चेहरे दिया चमका एक पासे, चेहरे दिया चमका एक पासे, दंदा दिया दमका एक पासे। वल्लैल से आ वल्लैल से आ रात से आई एक पासे, जुल्फां दा सजाना एक पासे, मखलूक खुदा दी एक पासे, महबूब रबाना एक पासे। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम ने फरमाया, मैं सर सजदे विचों चुकांगा ते कहना। बुखारी दे अल्फाज नबी पाक फरमांदे ने, अल्लाह फरमाणगे सुनिया इंज करो ना अपनी उम्मत दा 70,000 बंदा नाल लै लो ते बगैर हिसाबों बाबुल अहमन जदों जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाओ। अल्लाह 70,000 बंदा बगैर हिसाबों सोनिया ना ले लो ते दरवाजा भी रब ने दस दस बाबुल अहमद। अल्लाह हो अकबर। अल्लाह तवज्जो करना, जेड़ा जन्नत दा दरवाजा है उदा नाम की है? होर भी नबी पाक ने बड़े नाम दसे ने, ते जेड़ा दुनिया ते जन्नत दे ओदे विच ऐसा कोई दरवाजा नबी पाक ने दसिया रहमत ने कायनात फरमांदे ने, उह दरवाजा एडा वड्डा होएगा जिवें मक्के तों बुसरा मुकाम, इतना तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर बनदा है एक दरवाजे दी चौड़ाई। एक दरवाजे दी चौड़ाई किन्नी? ते इत्थे एडा क दरवाजा है जिन्हों बैस्ती मोरी कहिंदे ने, उत्थों एक बंदा भी नहीं लंघ सकदा, उह जन्नत हो सकदी? अल्लाह इंशाअल्लाह सी उस जन्नत विच जाणे जिदा दरवाजा सोने मुहम्मद खुलवाणा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम नु रब ताला शफात उज़्मा शफात कुबरा दा हक अता करेगा। अल्लाह मेरे पैगंबर सिफारिश करनगे उने नहीं, नबी पाक दे 70,000 उम्मती बगैर हिसाबो ऐलान हो गया ते नबी पाक लैके जन्नत दे अंदर चले जाणगे ना ना। नबी मुस्लिम दी रवायत दे मुताबिक नबी पाक दोबारा फिर सजदे दे अंदर गिर जाणगे। अल्लाह दी गल रवायत दे अंदर आंदे ने नबी पाक बार बार सजदा करनगे अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ करनगे, अल्लाह मेरे उम्मती मेरे उम्मती मेरे उम्मती मेरे उम्मती, जिन्नी देर तक सारे तौहीद परस्त जन्नत विच चले नहीं जाणगे मेरे पैगंबर सिफारिश करदे रहणगे
जिन्नी देर तक रब नूं इक मनन वाले रब नूं वखदा गुला शरीक मनन वाले जिन्ना सारी जिंदगी शिरक नहीं कीता दरबार ते नहीं गए मदार ते नहीं गए कबर नूं नहीं पूजिया शजर नूं नहीं पूजिया टाली नूं नहीं पूजिया बेरी नूं नहीं पूजिया कड़े नहीं पाए छले नहीं पाए धागे नहीं बन्ने बस हांडियां काड़ियां नहीं रखिया जुतियां जनाब गड्डियां दे नाल टुटियां नहीं बनिया बस रब ते तवक्कल रखिए अकीदा तौहीद मजबूत रखिए रब दा बुआ नहीं छड़िया धोखाए ने सोखाए ने बस रब दे मंगते बन के बैठे रहने रब दे सवाली बन के बैठे रहने जिन्नी देर तक ये सारे जन्नत विच नहीं जाणगे मेरे मुहम्मद सिफारिशां करदे रहणगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस पाक दे अंदर आंदे नबी पाक ने सलातो व सलाम फरमांदे ने मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज करांगा ला उम्मती ज्यादा ने गिनती थोड़ी है उम्मती ज्यादा ने गिनती थोड़ी है अल्लाह फरमाणगे सुणियो इंज करो ना मैं 70,000 दा ऐलान कीता है एक एक दे नाल 70,000 लै लो ते मेरी जन्नत दे अंदर दाखल हो जाओ दुआ करो जुमे वाले दिन कबूलियत दियां घड़ियां होंदियां ने अल्लाह असी हिसाब देण जोगे कोई नहीं या अल्लाह साडे दामन दे अंदर ऐसे अमल कोई नहीं कि तेरी बारगाह दे अंदर मैदान-ए-माशर दे अंदर हिसाब दे सकीए ऐ मालिका जिन्हां नूं बगैर हिसाबों अपने नबी दी शफात अता करनी है सानू ही उन्हां च शामिल फरमा या अल्लाह जिन्हां नूं बगैर हिसाबों अपने जन्नत विच दाखल करने सानूं ही उन्हां विच शामिल फरमा मेरे पैगंबर फिर भी सजदे दे अंदर गिर जाणगे अल्लाह फरमाणगे सोणिया जाओ जिन्हां दे सीनेहां दे अंदर राई दे दाणे दे बराबर भी ईमान है उन्हां नूं भी असीं तुहाडी सिफात दा हकदार बना दिता है नबी पाक हले तक भी रब दी बारगाह दे अंदर सजाए मैं की वफा बयान करां अपने पैगंबर दी उम्मतिया वफाइयां दी इंतहावां कीती जाना है ते मेरे पैगंबर ने वफावां दी इंतहावां दुनिया ते भी कीतियां ने मैदान-ए-माशर दे अंदर भी कीतियां ने अज दे खुतबे जुमा दे अंदर तालिब इल्म दा पैगाम नोट करके लै जा ऐ गल पक्की ज़हन दे अंदर बिठा ले जा करो सदै रुस जाए पर आमिना दे लाल दी सुन्नत तो किनारा नहीं करना जग रुस दै ते रुस जाए नबी पाक दी मुहब्बत दा दामन नहीं छड़ना मेरे पैगंबर सज दे जंदर फिर सर रख लैणगे अल्लाह फरमाणगे सुनिया जाओ जेड़े तुहाडी उम्मत दे जिन्ना दे सीनियां दे अंदर राई दे दाणे दे चौथे हिस्से दे बराबर भी माने उन्हां सारियां नूं मैं जन्नत अता कर छड़िया है अल्लाहु अकबर अल्लाह ऐ शफात ने उज़्मा दा हक शफात ते कुबरा दा हक सिर्फ नबी पाक ने सलातो व सलाम दी जात पाक नूं मिलना है ते नबी पाक फरमांदे ने लिकुल्ली नबी दावतम मुस्तजाबा हर नबी नूं अल्लाह ने दुनिया ते इक दुआ दा मौका दित्ता सी हर नबी ने ओ दुआ दुनिया ते मंग लई है जिहड़ी उम्मत दे हक दे अंदर मंगणी सी ते मैं अपनी दुआ नूं ज़खीरा कर लिए दुआ मैं कयामत वाले दिन मंगांगा अपनी उम्मत वास्ते कयामत वाले दिन मंगांगा मेरे पैगंबरी सलातो सलाम दे कौर एजाद रहमत ने कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम ने फरमाया कयामत दा दिन होएगा असी आए सब तो बाद ते जन्नत दे अंदर सब तो पहला जावांगे असी आए सब तो बाद ते जन्नत दे अंदर सब तो पहला जावांगे ऐ वी नबी पाक दा इज़ाज़ है अल्लाह नबी पाक आखरी नबी बन के आए लेकिन खुद ते अपनी उम्मत नूं जन्नत दे अंदर सब तो पहला लै के जाणगे अल्लाह अल्लाह फिर नबी पाक ने सलातो व सलाम फरमांदे ने मैं अपने उम्मतियां नूं नाल लै लवांगा ऐ चलदियां चलदियां जन्नत दे दरवाजे ते चला जावांगा ते जन्नत
जन्नत दे दरवाजे ते दस्तक दी जाएगी। नबी पाक दरवाजा खड़कानगे, पूछिया जाएगा मन दखल बाब कौन है दरवाजा खड़कान वाला। नबी पाक फरमान गए आना मुहम्मद सल्लल्लाहु नबी पाक दा ओए मदनपुरियो फैसला पादियो अपनी किस्मत ते नाज करिया करो। सानू अल्लाह ने उस पैगंबर दा उम्मती बनाए जिदो तो बगैर जन्नत दा दरवाजा भी खुलना। मोबाइल ना टच मोबाइल इन पासवर्ड लगा दिए, जेड़ा पासवर्ड लगाए जिनी देर तक ओ नहीं लगावांगे पासवर्ड खुलदा मोबाइल खुलदा ते जन्नत दा दरवाजा मेरे मुहम्मद पाक दे नाम दे नाल पासवर्ड लगया। जिनी देर तक आपने ए ना कहा ना आना मुहम्मद सल्लल्लाहु उन्नी देर तक ए जन्नत दा दरवाजा खुलना ये जन्नत दे दरवाजे दा पासवर्ड है ते असा इंशाल्लाह उस जन्नत में जाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीबे किरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने मैं जन्नत दे दरवाजे ते जावांगा दरवाजा खड़कावांगा दरवाजा दरबान पूछेगा मन दक्कल बाप कौन। नबी पाक फरमान गया ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुहम्मद दे नाल अपनी उम्मत नु लै करके आया ते जन्नत दा दरबान कवेगा रब दा हुक्म सी उन्नी देर तक दरवाजे दा कुंडा नहीं लाना जिन्नी देर तक सोना मुहम्मद नहीं आना सल्लल्लाहु अल्लाह ताला सोने दी सानू भी शफात नसीब फरमाए आप दी सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। जड़ियां खूबियां अल्लाह ने कयामत वाले दिन सोने नू अता करनियां ने ओ किसे नबी दे हिस्से दे अंदर भी आनियां नहीं आनियां। अल्लाह ताला सोने दी सुन्नत दे सीरत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।